Good morning, students, and welcome to the third lecture of chapter number 5, that is acid, base and salt. Student, in the last two lectures, we have studied about acid, its different properties, as well as we have also discussed something about indicators. Today, we are going to start about base. Let us start our topic from base. This is the main topic that we are going to discuss today. What is base? For base, we say that the solution that are bitter in taste. The solution that are bitter in taste. Means what? At the same time, we are going to discuss about very important thing, that is, the solution that are bitter in taste. Again, I am repeating this thing कि ये एक property है, ये definition नहीं है इसकी. जैसे मैंने acid के case में बताया था कि जिसका स्वाद खट्टा है वो acid कहलाता है, उसी तरह मैं base में आपसे कह रहा हूं कि जो कड़वा होता है, जो तीखा होता है, वो क्या कहलाता है? Base कहलाता है. Means what? कि base के बारे में हम क्या कहते हैं? ये bitter point out करने वाली बात है. Bitter के बारे में क्या कहते हैं? कि बीटर जो है ये आपको मतलब ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहा है जो स्वाद में कड़वा होता है. और जब हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, जब हम इसके डेफिनेशन को ध्यान से समझने की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं दे रिलीज OH minus ions in aqueous solution. Means what? कि जब भी हम बेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि दो सॉल्यूशन विच रिलीज OH minus in aqueous solution. OH minus क्या है बेटा? आयन्स है. आयन का मतलब चार्ज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था. तो जब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन होगा जो OH माइनस आयंस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसी को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. जिसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है. बेसिस जनरली जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक जो सॉल्युबल होता है वाटर में, एक जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. तो बेसिकली क्या है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाटर में पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, ये वाटर में पूरी तरह मिल जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि बेसिस आर ऑफ टू टाइप. वन दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, इन वाटर, और दूसरा क्या है? वन दैट डज नॉट डिसॉल्व्स इन वाटर. जो वाटर में डिसॉल्व करता है वो क्या कहलाता है? वाटर सॉल्युबल बेस. और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं करता है, इनसॉल्युबल इन वाटर. तो जो वाटर में डिसॉल्व करता है, वन विच डिसॉल्व्स इन वाटर, इनको हम क्या कहते हैं? अल्कली. अल्कली ये जनरली क्या होते हैं? मेटल्स. तो जो बेस डिसॉल्व करता है वाटर में, उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली. मीन्स वर्ड की अल्कली को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि अल्कलीज आर द वाटर सॉल्युबल बेस. मीन्स वर्ड की वाटर सॉल्युबल बेस की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं? वो अल्कली कहलाते हैं. आई होप इट इज क्लियर. अल्कलीज आर द वाटर सॉल्युबल बेस. नाउ यहां पर मैं बात कर रहा था कि यहां पर ये मेटल्स की बात कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि द ऑक्साइड्स ऑफ, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक. तो इसीलिए इसके डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो इससे हमें पता लग जाता है कि बेसिस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेटल्स जरूर मौजूद होंगे. तो जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आता है? एन ए ओ एच
KOH, LIOH, यहां पर ये OH जो है बेटा, इस OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड। यहां पर ये OH जो है ये भी क्या है, हाइड्रोक्साइड। यहां भी जो ये OH है ये क्या है, हाइड्रोक्साइड। मीन्स व्हाट कि जो भी बेस होगा तो बेस के लास्ट में क्या लगा होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड लगा होता है। मीन्स व्हाट कि बेसिस को जब आप डिस्कस करेंगे तो वहां पर बेसिस के लिए क्या होता है, बेसिस आर हाइड्रोक्साइड जनरली। तो यहां पर ये किसके साथ लगा था, एनए के साथ। एनए को हम कहते हैं सोडियम, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, लिथियम, एलआई से लिथियम, और ये पहले से हाइड्रोक्साइड था तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। और इसी तरह से जब भी हम बेसिस की बात करेंगे तो बेस के लास्ट में क्या लगा होता है बेटा, बेस के लास्ट में OH माइनस लगा होता है। और जिसके साथ भी OH माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, तो OH माइनस की बात अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बेस है। आई होप इट इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिस के केस में मैंने आपसे ये बता दिया कि OH जिसमें भी लगा रहेगा वो बेस, H प्लस जिसमें लगा है वो एसिड। अब बेस में मैंने आपसे ये भी कहा कि OH लगा हुआ है तो वो हाइड्रोक्साइड है, एसिड में मैंने आपसे कहा कि एच प्लस आयंस की बात होती है, यहां OH माइनस की बात होती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन में लेते हैं जिस पॉइंट को, वो है कि इसका कलर जो है ये कैसे चेंज करता है इंडिकेटर में। तो एसिड में मैंने आपसे बताया था कि एसिड्स आर दो सॉल्यूशन दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करता है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। मीन्स व्हाट कि कोई भी रेड लिटमस पेपर है उसको हम अगर ब्लू में चेंज कर देते हैं या कोई सॉल्यूशन डालने पर वो रेड से, जैसे कोई भी चीज रेड में था पहले, उसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला और फिर वो क्या हो गया, चेंज होकर किस कलर में आ गया, ब्लू में। और हमसे कोई पूछेगा कि इसका नेचर बताइए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है जिसको हमने डाला था, सॉल्यूशन कैसे नेचर का है, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ये तरीका है पहचानने का कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक इन नेचर है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं, अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, क्या होगा जब हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें हमने पहले तो कुछ लेवल तक क्या पुट कर दिया, एसिड पुट कर दी, और इस लेवल के बाद हमने एक लेवल पर क्या पुट कर दिया, बेस। तो अब यहां पर हमें दिख रहा है कि रेड डॉट जो है ये डिनोट कर रहा है किसको, बेस। तो यहां से यहां तक क्या मिला हुआ है, बेस। और जो ये ब्लैक डॉट है ये क्या डिनोट कर रहा है, एसिड, जो कि यहां से लेकर यहां तक है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये सेम कंटेनर है, एक ही कंटेनर है जिसमें
ये सारी चीजें रखी गई हैं। ओनली वन कंटेनर, या ये कह सकते हैं कि ये सेम कंटेनर है जिसमें चीजें रखी गई हैं। तो जब चीजें रखी गई सेम कंटेनर में, तो एसिड जाहिर सी बात है, और प्लस में क्या हो गया, बेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। तो क्या होगा जब हम एसिड और बेस को एक साथ रखेंगे, व्हाट हैपेंस? यहां अगर ये क्वेश्चन पुट कर दें कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर? तो हम क्या कहेंगे कि एसिड और बेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर एसिड प्लस बेस की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम कोई एसिड ले लेते हैं HCl, प्लस में कोई बेस ले लेते हैं NaOH, नहीं? तो यहां पर हमें पता है कि ये क्या है, ये है एसिड, हमने देखा भी था लास्ट लेक्चर में। अभी तुरंत हमने देखा है कि NaOH क्या है, बेस। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? तो हम कहेंगे क्या कि एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस में वाटर, सॉल्ट प्लस में वाटर। अब अगर हम बात करें इसकी, तो सॉल्ट प्लस में वाटर ये क्या बनेगा, तो हम कहेंगे क्या कि Na जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ, और H जो है वो OH के साथ। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, NaCl प्लस में H2O। अब बेटा ये देख, ध्यान रखना है कि ये NaCl जो है इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या है ये, वाटर। अब देखो बेटा कि यहां पर एसिड और बेस हमने रखा था, एक ही कंटेनर में रख दिया था एक साथ, तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से लिख सकते थे कि हमारे पास पहले एसिड आया था और उसके बाद बेस आया था, दोनों को प्लस कर दिया हमने, एक साथ रखा है। तो जो इन दोनों के साथ रखने से रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, NaCl जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, और H2O जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर। अब ये जो NaCl है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसके बारे में हम ये भी लिखते हैं कि NaCl इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। मीन्स वर्ड कि ये उस नमक का फॉर्मूला है जिसको हम घर में खाते हैं, घर में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। कॉमन मतलब हर जगह यूज होने वाला, हर घर में यूज होने वाला। तो कहीं ना कहीं NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड कह रहे थे वो कहीं ना कहीं क्या है, कॉमन सॉल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट बच क्या गया कि ये जो रिएक्शन हुआ इनके बीच में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो जब भी हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की, तो हम कहेंगे क्या कि इस प्रोसेस में जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स व्हाट कि व्हेनेवर हम ये कहते हैं कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड
न्यूट्रलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है कि जब कभी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर, ये ध्यान रखना है। एसिड प्लस बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ फॉर्म करेगा सॉल्ट और वाटर, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर ये कब बनेगा, जब एसिड और प्लस में बेस आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। अब यहां एक बात ये है कि इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा मैंने, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक स्केल के बारे में पढ़ना है। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमेशा काम में आता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर रिएक्टिव है तो उसको अनरिएक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब उसको समझने के लिए हम एक बार पीएच स्केल को पढ़ते हैं। आई होप ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। ये पीएच स्केल है, ये है 7, यहां 0, यहां 14, तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में ये बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। और इस पर्टिकुलर स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल, स्मॉल पी कैपिटल एच और स्केल। इसमें क्या होता है, जिसकी भी वैल्यू, जो भी सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता है। मींस व्हाट, कि अगर 0 के जितना नजदीक आएगा उतना स्ट्रांग होगा एसिड। मींस व्हाट, कि 0 के जितना क्लोज उतना स्ट्रांग एसिड, और 14 के जितना क्लोज उतना स्ट्रॉन्ग बेस। क्लोजर टू 14 स्ट्रॉन्गर इज बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्लोजर टू 0, तो जो 0 के नजदीक आएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो 7 के नजदीक आएगा वो वीक होगा, जो इधर 7 के नजदीक आएगा वो वीक बेस हो जाएगा, 14 के नजदीक जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब यहां पर ये जो 7 है न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी चीज दी हुई है या नहीं है। 7 पीएच 7 इज इक्वल टू न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिवन क्या है। पीएच क्लोज टू 0 20 स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड पीएच क्लोज टू 14
स्ट्रॉन्गर बेस। तो बेसिकली हमने पीएच स्केल के बारे में ये जाना कि पीएच स्केल 0 से 14 रीडिंग का होता है। अगर 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 के नजदीक है तो वीक एसिड होगा, 0 के नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह 7 से आगे और 14 के पास होगा तो 14 के पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अगर 7 के पास है तो वो वीक बेस हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है तभी हम एसिड और बेस को डिसाइड कर पाएंगे। अब जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो वहां हम इस टॉपिक से आगे की ओर बढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का काम होता है, या फिर और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल को यूज करने से हम किस तरह पता लगा लेते हैं, मिल्क का क्या पीएच होता है, मिल्क के पीएच के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के पीएच के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंटा एसिड क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों होती है। फिलहाल हमने इतना पढ़ लिया है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहे टाइम एंड अगेन इसको वॉच कीजिए, फिर जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स लिस्निंग टू मी, गॉड ब्लेस यू।